हाय फ्रेंड, राधे राधे। रक्षा की किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए हमने एक कप के लगभग तिली ली है। सफ़ेद तिल है हमारी। एक चम्मच के लगभग बेकिंग पाउडर है, आप इसकी जगह खाने का सोडा ले सकते हैं। और एक कप के लगभग गुड़ लिया है। एक पैन में हम तिल डाल के उसको लो फ्लेम पे चलाते हुए भून लेंगे। हमारी तिल भुन गई है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसकी हम थोड़ी सी तिल हल्की सी ग्राइंड कर लेंगे। इसको केवल 5 या 10 सेकेंड के लिए ही मिक्सी में चलाएं, सेकेंड के लिए, जिससे कि हमारी हल्की सी तिल कुछ खड़ी रहे और कुछ पिस जाए। ये इस प्रकार से कर लें। अब एक प्लेट को हम घी से ब्रश कर लेंगे। अब उसी पैन में हम एक चम्मच के लगभग घी डाल देंगे। घी के मेल्ट हो जाने पर इसमें गुड़ डाल दें। गुड़ को लो फ्लेम पर चलाते हुए पका लें। गुड़ में इस प्रकार के बुलबुले आने पर एक कटोरी में पानी लेकर गुड़ को डालकर चेक कर लें कि गुड़ हमारा जम रहा है कि नहीं। इस प्रकार से अगर गुड़ हमारा जम जाता है तो हमारा गुड़ पक चुका है। अब इसमें हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे, या तो आप इसमें खाने का सोडा भी डाल दें, जिससे हमारे गुड़ का कलर एकदम वाइट सा हो जाएगा। अब इसमें तिल्ली डाल देंगे और बारीक जो हमने हल्की सी क्रश करी थी वो तिल्ली भी डाल देंगे। इसको चला लेंगे। इसे हमारी प्लेट पे डाल देंगे। और हल्का सा ही इसको दबाएंगे।
आप चाहे तो इसे बेलन से बेल के पतला भी कर सकते हैं, पर मुझे इसके मोटे मोटे पीस ही बनाना है। एक चाकू पर हल्का सा घी ब्रश कर लेंगे और इसको गरम गरम में ही इस पे कट लगा दें। पाँच मिनट बाद इसे निकाल लें, तैयार है आपकी तिल की गजक। मिनटों में बनके तैयार हो जाती है।